हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगेश कौशिक. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, जो हमारा पेंडिंग बचा हुआ था. कुछ पार्ट में फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग का पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ. रिमेनिंग पोर्शन इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स यूज्ड इन सर्वे. लाइकवाइज आपका प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, श्रंक स्केल along with their numericals I will discuss my this video lecture, so please be careful. So हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे. हमारा आर्टिकल स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ रिजल्टिंग मैप्स. मैप्स हमें क्या दिखाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम गोइंग टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेज. अगर हम बात करते हैं पहले ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, ऑन बेसिस ऑफ एक्यूरेसी survey is classified into two categories. Number one is plain survey and number two is Theodolite survey. Obvious बात है, Theodolite survey is more precise. Precision की definition में पहले आपके लेक्चर में दे चुका हूँ. Theodolite survey is more precise as compared to the plain survey, but on the basis of resulting maps what is the classification of survey that we are going to discuss. हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं. तो नंबर 1 आपका है ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड सर्वे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड सर्वे. फील्ड सर्वे का नेचर कैसा है उसके बेस के ऊपर आपका जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्या होगा हम लोग डिस्कस करते हैं. इसमें आपका नंबर 1 क्लासिफिकेशन इज लैंड सर्वे. मैं आपको पहले बता चुका हूं ऑन अर्थ सरफेस लैंड सर्वे विल बी देयर, अबव द अर्थ सॉरी बिलो द अर्थ सरफेस हाइड्रोग्राफिकल सर्वे इज देयर एंड above the earth surface astronomical survey is there. ये आपकी बेसिक क्लासिफिकेशन है. लैंड सर्वे इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. वन इज कॉल्ड एज टोपोग्राफिकल सर्वे. नाम सजेस्ट कर रहा है लैंड की टोपोग्राफी के बारे में जानना, मैन मेड फीचर्स के बारे में जानना, नेचुरल फीचर्स के बारे में जानना. नेचुरल फीचर्स मीन्स आपका हिल है, आपका रिवर्स हैं. मैनमेड फीचर्स में आपका लेक्स हैं, आपकी कोई भी बाउंड्रीज, प्लॉट बाउंड्री है एंड एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स हैं, डैम्स हैं, सारा इस कैटेगरी में आएगा. सेकेंड वन इज कॉल्ड एज आपका कैडेस्ट्रल सर्वे. कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे बेसिकली किसी भी प्रॉपर्टीज की बाउंड्रीज को लोकेट करवाने के काम आता है. यूज्ड टू लोकेट बाउंड्रीज ऑफ प्रॉपर्टीज, बाउंड्रीज ऑफ प्रॉपर्टीज एंड टू डिटरमाइन द लैंड एरिया. लैंड एरिया को डिटरमाइन करने के काम आता है और प्रॉपर्टीज की बाउंड्रीज को लोकेट करवाने के काम आता है. Topographical survey used for man-made and natural features on अर्थ सरफेस। कैडेस्ट्रल सर्वे में जो चेन यूज होती है वो रिवेन्यू चेन यूज होती है। रिवेन्यू चेन इज यूज्ड, जो कि 33 फीट लॉन्ग होती है, जिसमें 16 लिंक्स होती हैं। 33 फीट लॉन्ग एंड 16 लिंक्स आर देयर। नंबर 3 इज सिटी सर्वे। सिटी सर्वे में आपको वाटर सप्लाई सिस्टम जानना है, आपको सीवर सिस्टम जानना है। इन सभी सिस्टम्स के लिए हमारा सिटी सर्वे काम आता है। नंबर 2 इज हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। हाइड्रोग्राफिकल सर्वे मैं आपको पूरा डेप्थ में, मैंने पहले चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज ब्रीफिंग ऑफ सर्वे सब्जेक्ट में मेन हेडिंग, मेन चैप्टर का नाम डलवाया है हाइड्रोग्राफिकल सर्वे और साउंडिंग सर्वे। पूरा डेप्थ में हम डील करेंगे बाद में। डेप्थ ऑफ सी मेजर करना है, डेप्थ ऑफ रिवर मेजर करनी है। हाइड्रोग्राफिकल सर्वे आपका काम आता है, रेंज फाइंड आउट करनी है। साउंडिंग सर्वे भी बोला जाता है, बैथीमेट्रिक सर्वे भी बोला जाता है। बैथीमेट्रिक सर्वे और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साउंडिंग सर्वे, याद रखेंगे। बेसिकली 2 machines are used. One is called as Weddell's sounding machine. जब डेप्थ कम होती है वेडल से साउंडिंग मशीन काम आती है, एंड जब डेप्थ ज्यादा होती है, एग्जाम्पल इन द केस ऑफ सी ओशियन, फैथोमीटर काम आता है। आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मीन्स यू कैन से रिवर्स, यू कैन से सी एट एक्स्ट्रा। वाटर बॉडीज में अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ ए बोट, वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्रीम मेजर करनी है तो प्राइस मीटर काम आता है। प्राइस मीटर ये आपका सिमिलर होता है, इज सिमिलर टू करंट मीटर, करंट मीटर एंड इज यूज्ड फॉर measurement of velocities in water bodies। वाटर बॉडीज में वेलोसिटीज की मेजरमेंट करने के काम आता है आपका प्राइस मीटर। तीसरा आपका है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे है ये किसी भी पॉइंट की लोकेशन डिटरमाइन करवाने के काम आता है। टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ ए प्लेस और यू कैन से पॉइंट। यहां पर जो स्टडी होती है वो स्टडी होती है सेलेसियल बॉडीज की। एग्जाम्पल सन, स्टार, मून एट एक्स्ट्रा। फंडामेंटल और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यू कैन से लैटिट्यूड काम आएगा, आपका लॉन्गिट्यूड काम आएगा एट एक्स्ट्रा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की मदद से हम लोग किसी भी पॉइंट के लोकेशन डिटरमाइन करवा सकते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन होती है जी हमारा सर्वे करने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है। तो नंबर 2 क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव, एम, पर्पस ऑफ सर्वे। हमारा पर्पस क्या है उसके बेस के ऊपर वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द सर्वे. नंबर वन इज इंजीनियरिंग सर्वे. हम लोगों को बिल्डिंग्स, डैम, रोड, रेलवे ट्रैक, रेलवे रूट, इन सब के बारे में जानना है, हमारा इंजीनियरिंग सर्वे होगा. नंबर टू मिलिट्री सर्वे. मिलिट्री सर्वे आपका सर्वे कंडक्टेड फॉर लेआउट ऑफ ए वॉर. कोई भी युद्ध होने वाला है उसका लेआउट कंडक्ट करवाने के लिए और लेआउट डालने के लिए हम लोगों को मिलिट्री सर्वे करना पड़ता है. लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल्स के लिए, लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल्स के लिए हमारा मिलिट्री सर्वे होता है. नंबर थ्री इज माइन सर्वे. बेसिकली ये हमारा यूज्ड फॉर रिजर्व्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स एंड मिनरल्स, मिनरल्स और रॉक्स कहां पर मिलेंगे आपका बेसिकली यू कैन से खान जो होती हैं, एग्जांपल इन झारखंड, नियर बाई धनबाद आपका कोयले की खान है, तो कोल माइंस. तो किस सर्वे के द्वारा प्राप्त हुआ हमें? माइन सर्वे के अकॉर्डिंग. तो माइन सर्वे आपका इसके लिए काम आता है. एग्जाम्पल कोल माइंस इन झारखंड. माइन सर्वे के लिए बेसिकली इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज ए माइनिंग डायल. माइनिंग डायल इज ए थियोडोलाइट फिटेड विद ए कंपास. फिटेड विद ए कंपास. माइनिंग डायल जो है एक थियोडोलाइट होता है जो कि कंपास के साथ फिट रहता है. इज यूज्ड फॉर माइनिंग पर्पसेस. माइनिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है. नंबर फोर इसमें आएगा आपका जियोलॉजिकल सर्वे. नंबर फोर इज जियोलॉजिकल सर्वे. जियोलॉजिकल सर्वे अर्थ के डिफरेंट स्ट्रेटाज, एग्जांपल इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल क्रस्ट, ईच एंड एवरीथिंग. तो टू नो अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ सरफेस हमारा काम आएगा जियोलॉजिकल सर्वे. पांचवा जियोग्राफिकल सर्वे. जियोग्राफिकल सर्वे बेसिकली जो काम आएगा कोई भी कैचमेंट एरिया लोकेट करवाने के लिए, एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम, रिजर्वायर एट एक्स्ट्रा. सिक्स्थ वन इज कॉल्ड एज आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे. आर्कियोलॉजिकल सर्वे जिसको हम लोग बोल देते हैं पुरातत्व सर्वेक्षण. पुरातत्व सर्वेक्षण ओल्ड स्ट्रक्चर्स, एग्जाम्पल कुतुब मीनार, एग्जाम्पल ताजमहल, इनके बारे में जानना. टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ओल्ड स्ट्रक्चर्स, रेलिक स्ट्रक्चर्स हमारा काम आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे. एग्जाम्पल ताजमहल एट एक्स्ट्रा. नंबर तीसरा क्लासिफिकेशन है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड के आधार पर. एक बात याद रखिएगा, टोपोग्राफिकल मैप्स जो होते हैं, टोपोग्राफिकल मैप्स ये सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट पब्लिश करता है, पब्लिश्ड बाय टोपोग्राफिकल और पब्लिश बाय सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। एंड जितने भी आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। इसकी बहुत सारी सब ब्रांचेज हैं, आगरा में है, चंडीगढ़ में है, एक्स्ट्रा। तो सारा कंट्रोल जहां पर भी आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होंगे वहां पर इसकी ब्रांच मोस्टली मिलती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की। तीसरा क्लासिफिकेशन आपका है बेस्ड अपॉन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, बेस्ड अपॉन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एंड मेथड ऑफ सर्वे यूज्ड, मेथड ऑफ सर्वे यूज्ड। मेथड ऑफ सर्वे यूज्ड आपका चेन सर्वे हो सकता है, आपका टेप सर्वे हो सकता है, चेन सर्वे में भी देर, टेप सर्वे में भी देर, थियोडोलाइट सर्वे में भी देर, कंपास सर्वे में भी देर, प्लेन टेबल सर्वे में भी देर, ट्रेवर्सिंग में भी देर, ईडीएम सर्वे में भी देर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट्स सर्वे, टोटल स्टेशन सर्वे में भी देर, टोटल स्टेशन सर्वे में भी देर, और आपका इसमें बनता है टैकियोमेट्रिक सर्वे में भी देर, टैकियोमेट्रिक सर्वे में भी देर, इसमें बनता है आपका फोटोग्रामेट्रिक सर्वे में भी देर, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे में भी देयर। हम लोगों को वन बाय वन ये सारा डिस्कशन करना है। चेन सर्वे में देखिएगा, मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल होता है एंड वर्टिकल एंगल होता है। चेन जो है वो केवल हॉरिजॉन्टल दूरी मेजर करती है, वर्टिकल दूरी मेजर नहीं करती है, हॉरिजॉन्टल एंगल वर्टिकल एंगल कोई मेजरमेंट नहीं करती है। टेप सर्वे हॉरिजॉन्टल दूरी भी वर्टिकल दूरी भी एंगल्स की मेजरमेंट नहीं होती है। थियोडोलाइट सर्वे डिस्टेंस डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं करता है, एंगल्स दोनों मेजर करता है। कंपास सर्वे डिस्टेंस तो मेजर करता ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल जहां पर भी आ जाएगा वहां पर डायरेक्शन मेजरमेंट आती है। कंपास सर्वे बेसिकली डायरेक्शनल मेजरमेंट, डायरेक्शनल मेजरमेंट होती है, वर्टिकल एंगल नहीं होता है। सिमिलरली प्लेन टेबल सर्वे में आपके बहुत सारे मेथड्स आएंगे, आपका रेडिएशन है, रिसेक्शन है, रेडिएशन हो गया, रिसेक्शन हो गया, आपका इंटरसेक्शन हो गया, आपका ट्रैवर्सिंग हो गया। ट्रैवर्सिंग का एक मेथड तो ऊपर ही है प्लेन टेबल सर्वे, बाकी ट्रैवर्सिंग और भी मेथड्स होते हैं, आप कैसे भी करवा सकते हो। कंपास ट्रैवर्सिंग, थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग, हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फास्ट निडल मेथड, लूज निडल मेथड, लूज निडल मेथड, ट्रैवर्सिंग बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल्स, एंगल्स में भी इंक्लूडेड एंगल्स, इंटरनल एंगल्स, एक्सटर्नल एंगल्स, डिफ्लेक्शन एंगल कोई भी हो सकता है। ईडीएम सर्वे में डायरेक्ट मेजरमेंट होती है, स्लोप डिस्टेंस मेजरमेंट करने के काम आता है, स्लोप डिस्टेंस मेजरमेंट करने के काम आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट होता है साथ में। टोटल स्टेशन सर्वे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, वर्टिकल डिस्टेंसेस, स्लोपिंग डिस्टेंसेस, एंगल्स, आरएल ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑटोमेटिकली निकाल के दे देता है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है। टैकियोमेट्रिक सर्वे टैकियोमीटर जो होता है ये एक प्रकार से थियोडोलाइट ही होता है। थियोडोलाइट फिटेड विद ए स्टेडिया डायफ्राम, और स्टेडिया डायफ्राम में आप कह सकते हैं कि स्टेडिया हेयर्स होते हैं। अदर देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर्स के इसमें दो स्टेडिया हेयर्स भी होते हैं। तो जो आपका टैकियोमेट्रिक सर्वे है इसमें आप कह सकते हैं, टैकियोमेट्रिक सर्वे में कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टैकियोमीटर, जो टैकियोमीटर होता है ये एक ट्रांजिट थियोडोलाइट ही होता है। ट्रांजिट थियोडोलाइट फिटेड विद स्टेडिया डायफ्राम, स्टेडिया डायफ्राम में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्रॉस हेयर्स के अलावा स्टेडिया हेयर्स भी होते हैं। ये दोनों हेयर्स आर स्टेडिया हेयर्स, जो ये मेटल रिंग होती है जिस मेटल रिंग में कंप्लीट आपकी सारे हेयर्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्रॉस हेयर्स एंड स्टेडिया हेयर्स फिटेड रहते हैं। इस मेटल रिंग को रेटिक्यूल बोलते हैं, रेटिक्यूल याद रखिएगा। जो आपका फोटोग्रामेट्रिक सर्वे है ये फोटोग्रामेट्रिक सर्वे आपका होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स, की हेल्प से बनता है और होता है, किया जाता है। उन एरियाज के लिए काम आता है यूज्ड फॉर एरियाज विच आर नॉट अप्रोचेबल। एग्जाम्पल कोई वैली है तो हम लोगों को जो सर्वे करना पड़ेगा वहां का कौन सा करना पड़ेगा, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। अप्रोचेबल और यू कैन सी विच आर नॉट रीचेबल। फोटोग्रामेट्रिक सर्वे में आपको फोटोग्रामेट्रिक सर्वे वाले चैप्टर में डेप्थ में डील करेंगे अपन। इसमें आपका होता है टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज एरियल फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। एरियल फोटोग्रामेट्रिक सर्वे में जितने भी फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ए ड्रोन कैमरा, विद द हेल्प ऑफ एन एयरक्राफ्ट, और उसमें कैमरा फिट रहता है। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल किसी पेड़ के ऊपर कोई भी कैमरा आपका सेट करवा दिया, तो कैमरा इज फिटेड एट सम स्पेसिफाइड हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। कैमरा इज फिटेड इन एन एयरक्राफ्ट, इन एन एयर ड्रोन, जहां पर आपका वो एक फ्लाइट लाइन बनाता रहता है। इसमें एक क्वेश्चन आया आपका ऑप्टिमल फ्लाइट प्लानिंग। अगर एरियल फोटोग्रामेट्री में आपको ऑप्टिमल फ्लाइट प्लानिंग चाहिए, मतलब फ्लाइट प्लानिंग आपकी बिल्कुल एडजस्टेबल हो, ऑप्टिमल हो, तो वहां पर आपको साइड ओवरलैप एंड लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप दोनों लेने पड़ेंगे। बोथ आर रिक्वायर्ड, एरियल फोटोग्राफी में। इन एरियल फोटोग्राफी फोटोग्राफ्स जो हैं आर टेकन एट प्रॉपर इंटरवल, टू प्रोवाइड, अभी समझाता हूं। ये प्रॉपर इंटरवल पे लिए जाते हैं, मतलब एक फोटोग्राफ यहां पर ले लिया, दूसरा फोटोग्राफ यहां पर ले लिया, तीसरा फोटोग्राफ आगे ले लिया, तो इन सबके बीच में प्रॉपर इंटरवल तो इस प्रकार से एडजस्ट होना चाहिए to provide at least 60% longitudinal overlap and 30% side overlap। हमारा क्वेश्चन जनरेट होता है longitudinal overlap क्या है और side overlap क्या है, डिस्कस करते हैं। सॉरी हाँ जी। तो आपका लेट अस सपोज दैट ये कोई फोटोग्राफ है, इसके आगे कोई दूसरा फोटोग्राफ लिया जाएगा, ये फ्लाइट लाइन मैं 2D डायग्राम में दिखा रहा हूं, दिस इज फ्लाइट लाइन। तो ध्यान से देखिएगा जो दूसरा फोटोग्राफ आएगा उस दूसरे फोटोग्राफ में कम से कम मेन डायरेक्शन में जो ओवरलैप होगा वो ओवरलैप आपका 60% ओवरलैप याद रखिए। एंड जो ये साइड ओवरलैप ये चल रहा है, जो दिस वन दिस ओवरलैप मस्ट बी 30% साइड ओवरलैप। कई बुक्स में आपको साइड ओवरलैप को ट्रांसवर्स ओवरलैप भी बोल देते हैं, लेटरल ओवरलैप भी बोल देते हैं, याद रखिएगा। लेट सपोज दैट दिस इज योर ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम जीसीएस, ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिस डायरेक्शन में अपन मूव करते हैं उस डायरेक्शन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन को हम लोग स्केलर डायरेक्शन भी बोल देते हैं। एंड जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगी, एक आपका y और एक आपका जो z, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगी, उन डायरेक्शंस को हम लोग ट्रांसवर्स डायरेक्शन भी बोल देते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन भी बोल देते हैं, लेटरल डायरेक्शन भी बोल देते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी बोल देते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन भी बोल देते हैं, साइड डायरेक्शन भी बोल देते हैं एंड वेक्टर डायरेक्शन भी बोल देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रांसवर्स, लेटरल, साइड, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, वेक्टर सभी एक डायरेक्शन के नाम हैं, याद रखिएगा। हाँ जी। आपका नेक्स्ट आर्टिकल आता है दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स टू बी यूज्ड फॉर सर्वे। सर्वे में यूज होने वाले डिफरेंट प्रकार के और डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स, स्केल्स यूज्ड इन सर्वे। देखिएगा जितना भी एरिया हम सर्वे करते हैं, एरिया तो बहुत वास्ट होता है, ड्राइंग सीट के ऊपर तो उसको प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ग्राउंड डिस्टेंस को ड्राइंग के ऊपर कुछ स्केल के द्वारा प्लॉट किया जाता है। तो स्केल जो है ये एक फिक्स्ड रेशो होता है, फिक्स्ड रेशो होता है, फिक्स्ड रेशो ऑफ मैप डिस्टेंस टू द कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस, कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। तो इस रेशो को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ये बोले अगर स्केल इज 1 सेंटीमीटर बराबर है 20 मीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर किसका है? आपका मैप डिस्टेंस है, आपका प्लान डिस्टेंस है, और 20 मीटर किसका है? ग्राउंड डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस है। तो इस पर्टिकुलर केस में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF यूनिटलेस होता है जी, याद रखेंगे। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन विल बी 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 20 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ऊपर भी सेंटीमीटर में नीचे भी सेंटीमीटर। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन विल बी 1/2000। तो ये स्केल आपका इंजीनियर्स स्केल होता है, इंजीनियर्स स्केल। दूसरा आपका होता है जी ग्राफिकल स्केल, ग्राफिकल स्केल। कुछ भी नहीं है। ये इसी स्केल की रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में करने के लिए, इंजीनियर स्केल को रिप्रेजेंट ग्राफ में करने के लिए ग्राफिकल स्केल काम आता है। लाइन ड्रॉन ऑन शीट which represents corresponding ground distance according to scale adopted is called as the graphical scale। जो आपका ग्राफिकल स्केल है ये श्रंक्ड एरिया को रिप्रेजेंट करने के काम भी आता है, रिप्रेजेंट करने के काम भी आता है ग्राफिकल स्केल। तीसरा आपका होता है नंबर थ्री इज कंपैरेटिव फ्रैक्शन। एक था रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, अब है कंपैरेटिव फ्रैक्शन। बेसिकली जिसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन तो सेम हो, ऐसे दो स्केल्स जिसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन तो बराबर हो 1 in 2000 बट एक के अंदर जो ग्रेजुएशंस हैं वो किलोमीटर्स में है, एक के अंदर जो ग्रेजुएशंस हैं वो माइल्स में है, एक के अंदर जो ग्रेजुएशन वो सेंटीमीटर में है, दूसरे के अंदर ग्रेजुएशन जो फीट में है, तो ये कंपैरेटिव फ्रैक्शन दिखाता है। बट ग्रेजुएशंस आर इन डिफरेंट यूनिट्स, वो आपका हो जाएगा कंपैरेटिव फ्रैक्शन। याद रखेंगे आपका ये बात, याद रखिएगा जो स्केल होता है ये हमेशा एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना बड़ा स्केल होगा उतना छोटा एरिया होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इज 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 किलोमीटर। देख लेते हैं स्केल का मतलब, जब भी मैं बात करूंगा मैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करूंगा। यहां पर जो आरएफ है वो है 1 in 10 और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। यहां पर आरएफ जो है वो आपका है 1/2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो देखिएगा ये छोटा है, आरएफ स्मॉल है, एरिया 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर को दिखाई दे रहा है, एरिया जो है वो लार्ज है। आरएफ जो है ये लार्ज है बट 1 सेंटीमीटर केवल 10 मीटर की लाइन को दिखाई दे रहा है, तो आपका ये स्मॉल है। मींस मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि जब आरएफ लार्ज होगा उस टाइम पर एरिया छोटा होगा और छोटे एरिया में जो ड्राइंग बनेगी उस ड्राइंग को क्या बोलेंगे? प्लान बोलेंगे। एग्जाम्पल किसी बिल्डिंग का प्लान बनाना है, सच एंड सच थिंग्स। अगर आपका आरएफ स्मॉल होगा, तो अगर आरएफ आपका स्मॉल होगा उस टाइम पर एरिया लार्ज होगा, लार्ज एरिया में तो मैप बनता है, प्लान तो नहीं बनेगा। तो इट रिप्रेजेंट से मैप, तो मैप डिस्टेंस हो सकता है, प्लान डिस्टेंस हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका आरएफ जो है वो बड़ा है या छोटा है। ये बात याद रखिएगा। हम लोग बात करते हैं जो स्केल है ये डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। एक लार्ज स्केल, एक मीडियम स्केल, एक स्मॉल स्केल। 1 सेंटीमीटर लेस देन 10 मीटर, लेस देन इक्वल टू 10 मीटर हो तो लार्ज स्केल। 1 सेंटीमीटर 10 मीटर से 100 मीटर के बीच में हो तो मीडियम स्केल। और 1 सेंटीमीटर 100 मीटर से ज़्यादा हो तो आपका स्मॉल स्केल के कैटेगरी के अंदर आपका आएगा, याद रखिएगा। कई बार ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज ऑफ सर्वे, पर्पज ऑफ सर्वे क्या है, पर्पज ऑफ सर्वे क्या है और स्केल एडॉप्टेड क्या है, ये कई बार डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो इस टेबल को आप बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा, ये टेबल आप डायरेक्ट याद रखनी है। हाँ जी, तो आपके सामने टेबल है डिफरेंट स्केल्स एडॉप्टेड की, आपको याद रखनी है। बिल्डिंग साइट्स के लिए लेस देन इक्वल टू 1 in 10 1000, टाउन प्लानिंग स्कीम्स एंड रिजर्वायर्स के लिए 1 in 5000 से लेकर के 1 in 10000 1 in 25000 रिस्पेक्टिवली। कैडास्ट्रल सर्वे के लिए 1 in 500 टू 1 in 5000, जियोग्राफिकल सर्वे के लिए 1 in 50000 टू 1 in 1,60,00,000, क्रॉस सेक्शंस के लिए 1 in 100 टू 1 in 200, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में हॉरिजॉन्टल स्केल के लिए 1 in 1000 टू 1 in 20000 एंड वर्टिकल स्केल्स के लिए 1 in 100 टू 1 in 200, याद रखिएगा। तो हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स टू बी यूज्ड इन सर्वे। अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स, स्केल की हम लोग अगर टाइप्स की बात करते हैं तो पहला आपका होता है जी प्लेन स्केल, दूसरा आपका है डायगोनल स्केल, तीसरा आपका है स्केल ऑफ चॉर्ड्स, चौथा आपका है, फोर्थ वन इज वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में वी विल डिस्कस 5 टाइप्स ऑफ वर्नियर स्केल। वन इज डायरेक्ट वर्नियर स्केल, वन इज इनडायरेक्ट वर्नियर स्केल, और यू कैन से रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल। नंबर 3 इज एक्सटेंडेड वर्नियर स्केल। नंबर 4 इज आपका डबल फोल्डेड वर्नियर स्केल, डबल फोल्डेड वर्नियर स्केल। नंबर 5 इज वर्नियर टू सर्कुलर स्केल्स, वर्नियर टू सर्कुलर स्केल्स। ये तीनों प्रकार के वर्नियर्स डबल वर्नियर्स की कैटेगरी में आते हैं, डबल वर्नियर्स की कैटेगरी में आते हैं। वर्नियर टू सर्कुलर स्केल को हम लोग डबल, डायरेक्ट वर्नियर भी बोल देते हैं या डबल ग्रेजुएटेड वर्नियर भी बोल देते हैं। 5वां स्केल हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप एंड 6th वन इज आपका श्रंक स्केल। ये हम लोगों को इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल जो बचा हुआ है ये डिस्कस करना है। श्रंक स्केल एंड वर्नियर स्केल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो इन दोनों स्केल्स की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो, बट बेसिक्स ऑफ ईच एंड एवरी स्केल मैं इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेन स्केल। हाँ जी, तो जो प्लेन स्केल आपका है, ये प्लेन स्केल के ऊपर 2 डायमेंशंस की मेजरमेंट पॉसिबल होती है, 2 डायमेंशंस की मेजरमेंट पॉसिबल होती है। वो पेयर कोई भी हो सकता है, इट मे बी मीटर सेंटीमीटर एट एक्स्ट्रा, और यू कैन से यूनिट्स एंड टेंथ्स एट एक्स्ट्रा यूनिट टेंथ पे ईयर, टेंथ हंड्रेड्स पे ईयर। तो एग्जाम्पल हम लोग हमारा कर सकते हैं 10 मीटर 100 मीटर। मीन्स अगर हम लोग इस स्केल की कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन में आप ये कह सकते हैं दिस इज 0 मीटर, दिस इज 100 मीटर, दिस इज 100 मीटर, 200 मीटर, दिस इज 300 मीटर। तो दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ईच एंड एवरी पार्ट विल बी ऑफ 10 मीटर। तो आप कोई भी पेयर इसमें ले सकते हैं। दूसरा आपका होता है नंबर 2 इज डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल के ऊपर 3 डायमेंशंस पॉसिबल होते हैं, 3 डायमेंशंस की मेजरमेंट पॉसिबल होती हैं। यू कैन से या तो वो तीनों यूनिट्स अलग अलग हो सकती हैं या तो केवल एक यूनिट होगी एंड इसके जो फ्रैक्शंस होंगे, फ्रैक्शंस अप टू सेकेंड डेसिमल पॉइंट तक ये स्केल मेजर करता है। ये स्केल लेंथ को, शॉर्ट लेंथ को नंबर ऑफ डिविजन्स में डिवाइड कर देता है। ये स्केल प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर आधारित रहता है, बेस्ड रहता है, बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जो आपका तीसरा होता है दैट इज वर्नियर स्केल। नंबर 3 इज वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो है इट वाज गिवन बाय मिस्टर पियरे वर्नियर इन 1602। वर्नियर स्केल always used with प्राइमरी स्केल। प्राइमरी स्केल की कैटेगरी में 3 स्केल्स आते हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड स्केल ऑफ कोर्ड। हमेशा प्राइमरी स्केल के साथ यूज होगा। मीन्स यू कैन से स्मॉल डिविजन्स of main scales used आता है, used for measurement of small division of main scale। छोटा auxiliary scale होता है, auxiliary scale होता है। जब वर्नियर स्केल की हमें लिस्ट काउंट पढ़नी होगी, लिस्ट काउंट also called as fineness of reading use होगा, तो उस टाइम पर is equal to difference of smallest division of main scale। मैं main scale के smallest division को S बोलूंगा एंड स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मैं वर्नियर स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन को मैं V बोलूंगा एंड इसका उल्टा भी हो सकता है एंड वाइस वर्षा, बिकॉज लीस्ट काउंट हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो याद रखेंगे लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू एस माइनस वी और वी माइनस एस। अभी हमें नहीं पता है कौन करना है, थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। इनमें से जो भी हमारा पॉजिटिव रीडिंग देगा दैट विल बी द लीस्ट काउंट और फाइननेस ऑफ रीडिंग इन द केस ऑफ द वर्नियर स्केल्स। याद रखेंगे वर्नियर स्केल्स की टाइप्स अभी हमें डिस्कस करनी है। 5 टाइप्स में बता चुका हूं आपको। पांचों की पांच टाइप्स इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन। तो अगर हम बात करते हैं नंबर फोर्थ की, स्केल ऑफ कॉर्ड। स्केल ऑफ कॉर्ड ये बेसिकली एंगल मेजर करने के काम आता है, यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ मेजरिंग एंगल ऑफ ए लॉन्ग कॉर्ड विदाउट प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर की हेल्प के बिना ही एंगल मेजर करके दे देता है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। बेसिकली नाम सजेस्ट कर रहा है लॉन्ग कॉर्ड। तो हम लोग कर्व्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, टू थियोडोलाइट मेथड इज देयर, वन थियोडोलाइट मेथड इज देयर। तो वो मेथड्स जब लॉन्ग कॉर्ड के एंगल को सेट करके किसी भी कर्व को सेट आउट करवाते हैं तो वहां पर हमारा स्केल ऑफ कॉर्ड ही काम आता है। तो ये एंगल मेजर करता है, एंगल और यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ऑफ ए सर्कल एट सेंटर ऑफ आर्क। आर्क के सेंटर पर जितना भी एंगल बनाया जाएगा उसको ये मेजर करता है। तो हमारा देखिएगा नंबर वन है 3.1, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट वर्नियर। याद रखिएगा n-1 divisions of main scale will be equal to n divisions of vernier scale. Let us suppose that this is your main scale. Main scale की 0 यहाँ पर है, main scale का 1 यहाँ पर है, main scale का 2 यहाँ पर, up to so on इस प्रकार से बढ़ रहा है। एंड इसमें आपके जो डिविजन्स हैं वो इस प्रकार से हैं। Let us suppose that दिस इज S। तो अगर ये n-1 है, एग्जाम्पल मेन स्केल में 10 डिविजन्स हैं तो वर्नियर में कितने डिविजन्स होंगे? 11 डिविजन्स होंगे। तो सेम लेंथ, ये वर्नियर का 0 है, ये वर्नियर की फाइनल रीडिंग है। वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल दोनों एक डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल both moves in same direction। याद रखिएगा। तो n की वैल्यू 11 होगी तो ऊपर वाला जो डिवीजन होगा वो नीचे वाले डिवीजन से छोटा होगा, ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर v की वैल्यू s की वैल्यू से छोटी है तो लीस्ट काउंट विल बी। हमेशा पॉजिटिव रीडिंग बनाने के लिए मुझे बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा तो s माइनस v होगा। इस इक्वेशन से मैं एक बार v की वैल्यू निकाल लेता हूं। आइए निकालते हैं। यहां से मैंने v की वैल्यू निकाली तो v विल बी n-1s डिवाइडेड बाई n। सही है। तो यहां पर मैं s माइनस ns प्लस s डिवाइडेड बाई n, Sn माइनस Sn प्लस S डिवाइड बाई n कैंसल्ड आउट। तो इट विल गिव्स मी S बाई n। तो लीस्ट काउंट अगर आपको निकालनी है तो विल बी इक्वल टू S बाई n। दूसरा आपका होता है जी इनडायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर। नंबर टू, इनडायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर बिल्कुल बराबर होता है। हमें थोड़ा सा चेंजेस इसमें करने हैं। n+1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर डिवाइडेड इनटू n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल बोथ मूव्स इन, और यू कैन से मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसका कंक्लूजन अभी नहीं किया है, करते हैं। अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल n+1 = 10 तो n विल बी 9। तो ऑब्वियस बात है वर्नियर के 9 डिविजन्स मेन स्केल के 10 डिविजन्स के बराबर होंगे। तो सेम लेंथ इज डिवाइडेड इनटू v डिविजन्स एंड मेन स्केल के डिविजन्स में सेम लेंथ इज डिवाइडेड इनटू s डिविजन्स। तो v की वैल्यू s की वैल्यू से बड़ी होगी। तो लीस्ट काउंट हमेशा हमें पॉजिटिव देखना है। तो पॉजिटिव देखना है तो पॉजिटिव के लिए तो बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। मींस आई हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम v टू s। लीस्ट काउंट विल बी v माइनस s। यहां से रिलेशन निकाल लीजिए। यहां से मैंने रिलेशन निकाला तो इट विल बी v = n+1 s / n। v = ns + s - s / n ns + s - sn / n will be equal to s/n। तो लीस्ट काउंट हमेशा आपका बराबर रहेगा, याद रखिएगा। हाँ जी, नंबर 3 इज एक्सटेंडेड वर्नियर। एक्सटेंडेड वर्नियर बेसिकली यूज होता है जब मेन स्केल के डिविजन्स बहुत छोटे हैं। यूज्ड व्हेन डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर वेरी स्मॉल। यूज किया जाता है इन एस्ट्रोनॉमिकल सेक्सटेंट। सेक्सटेंट एक प्रकार से थियोडोलाइट होता है। एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए यूज होगा। ऐसा थियोडोलाइट जो एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए यूज होगा उसमें एडिशनल लेवल, मैं आपको थियोडोलाइट के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, हॉरिजॉन्टल बबल ट्यूब, वर्टिकल बबल ट्यूब, एल्टीट्यूड बबल ट्यूब, एक एडिशनल लेवल और भी होता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्राइडिंग लेवल ट्यूब। Striding level tube is there and also used in Abney level। Level की type होती है Abney level में भी देर, dumpy level में भी देर, tilting level, आपका auto level, आपका reversible level। तो Abney level में आपका extended vernier use होता है। Double verniers की category में आता है। Double verniers की कैटेगरी में आता है। डबल वर्नियर्स बेसिकली क्या होते हैं, आपका डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो वर्नियर्स, दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्नियर्स को वन अबोव द अनदर प्लेस किया जाता है। वन अबोव द अनदर प्लेस किया जाता है जिनका जीरो कॉमन 0 पॉइंट मीन्स इंडेक्स मार्क जो होता है वो कॉमन 0 पॉइंट होता है, याद रखिएगा। स्ट्राइडिंग लेवल टू एक्सटेंडेड वर्नियर की आपका जो एक्सटेंडेड वर्नियर की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, स्पेसिफिकेशंस ऑफ एक्सटेंडेड वर्नियर इज 119 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर डिवाइडेड इनटू 60 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो यहां से अगर मैं कंक्लूजन निकालता हूं, एक मेन डिवीजन का एक स्केल और मेन स्केल का एक डिवीजन 10 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। तो इट विल बी इक्वल टू, अगर मैंने ये एन भी पुट किया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2n - 1 × s = nv। तो जो इसमें लीस्ट काउंट होती है, लीस्ट काउंट निकालने के लिए अगर हम बात करते हैं देखिएगा तो 2n - 1 s = nv। तो v = 2n - 1 s / n। तो लीस्ट काउंट, या वहां पर v के साथ तो n ही था, एस के साथ n-1 और n+1 था, यहां पर 2n-1 और 2n+1 है, तो इट विल बी इक्वल टू 2s-v, तो v की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2s-2n-1s डिवाइड बाई n, एलसीएम ले दीजिए, n इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट विल बी इक्वल टू 2ns-2ns+s डिवाइड बाई n, लीस्ट काउंट विल बी सेम, लीस्ट काउंट एक्सटेंडेड वर्नियर वाले फिटेड वाले टेलीस्कोप में जो निकल के आती है दैट इज 10 सेकेंड ऑफ एन आर्क। एक एग्जाम में ये ऐसे भी मिलेगा आपको, 10/60 मिनट्स ऑफ एन आर्क विच विल इक्वल टू 1/6 मिनट्स, और 1 मिनट का छठवां हिस्सा 1/6 हिस्सा आपका 10 सेकेंड्स ऑफ आर्क के बराबर होता है। तो लीनियर स्केल्स के लिए लीस्ट काउंट निकल के आती है 10 सेकेंड ऑफ एन आर्क, एंड एंगुलर स्केल्स के लिए लीस्ट काउंट निकल के आती है आपका एंगुलर स्केल्स के लिए लिस्ट काउंट निकल के आती है 10 मिनट ऑफ एन आर्क। दोनों याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, नेक्स्ट आपका होता है नंबर 3.4 इज डबल फोल्डेड वर्नियर, बता चुका हूं डबल वर्नियर्स लीनियर के लिए भी काम आएंगे, एंगुलर के लिए भी काम आएंगे। एंगुलर में ऐसे थियोडोलाइट्स जिनका और ऐसे कंपासेस जिनका जीरो सेंटर पे होगा उसके साथ ये यूज होते हैं। डबल फोल्डेड वर्नियर्स के 19 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू आपका 20 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो बुक्स में आपको इस प्रकार से डेटा मिलेगा, ये 9.5 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल आर डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल which gives me the list count of 3 minutes, याद रखिएगा। एंड लास्ट वन इज वर्नियर टू द सर्कुलर स्केल्स, वर्नियर टू सर्कुलर स्केल्स 3.5 डबल डायरेक्ट वर्नियर कह सकते हैं, डबल ग्रेजुएटेड वर्नियर कह सकते हैं। बेसिकली इनकी जो रीडिंग्स हैं वो इंक्रीज होती हैं, इंक्रीजेस इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मेन स्केल डायरेक्शन। मेन स्केल डायरेक्शन में बढ़ती हैं, उसी डायरेक्शन में इनकी रीडिंग्स इंक्रीज होंगी। नाम सजेस्ट कर रहा सर्कुलर स्केल्स, एग्जाम्पल थियोडोलाइट्स में यूज हो सकता है, एग्जाम्पल सेक्सटेंट्स में यूज हो सकता है, एग्जाम्पल सीलोन घाट ट्रेसर में यूज हो सकता है, एग्जाम्पल आपका इंडियन पैटर्न क्लिनोमीटर में यूज हो सकता है। सीलोन जो घाट ट्रेसर होता है, घाट ट्रेसर ये टू सेट आउट कंटूर ग्रेडियंट इन हिली एरियाज, आपका काम आता है सीलोन घाट ट्रेसर। हाँ जी, सीलोन घाट ट्रेसर आपका कंट्रोल ग्रेडियंट सेटअप करवाने के काम आता है। इनको मेन बात, इनको डबल डायरेक्ट वर्नियर क्यों बोला गया, डबल ग्रेजुएटेड वर्नियर क्यों बोला गया, बिकॉज दीज आर अवेलेबल इन मार्केट इन 2 कैटेगरीज, ग्रेजुएटेड टू 30 डिग्री, जिसमें 30 डिग्री के ग्रेजुएशन होंगे, वहां पर आपकी जो लीस्ट काउंट ऑब्टेन होती है दैट विल बी इक्वल टू 1 मिनट, याद रखिएगा। and second one is called as graduated to 20 minutes. वहां पर लीस्ट काउंट अवेलेबल होती है 30 सेकेंड्स. तो ये बात आपको याद रखनी है. हाँ जी, नंबर 5वां स्केल आपका है माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप. माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप एक वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है. प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ प्रिसीजन हाई रिक्वायरमेंट होगी जियोडेटिक सर्वे में. तो ये यूज होता है इन जियोडेटिक थियोडोलाइट्स. जियोडेटिक थियोडोलाइट्स एग्जाम्पल जियोडीमीटर 510. जियोडीमीटर 510 is an EDM instrument which uses light waves as its carrier waves. जहां पर भी माइक्रोमीटर लगा रहता है उसकी जो लीस्ट काउंट आती है दैट इज 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क, विच इज ए वेरी प्रिसाइज रीडिंग इज देयर. याद रखिएगा. हाँ जी, आपका 6th स्केल इज एक इंपॉर्टेंट नोट है. कोई भी एरर, एनी एरर ऑन ए ड्राइंग शीट, किसी भी कंडीशन में 0.25 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए. मींस ए गुड ड्राफ्ट्समैन, ए गुड ड्राफ्ट्समैन कैन डिस्टिंग्विश ए रीडिंग ऑफ 0.25 mm और 0.025 cm. याद रखिएगा. नोट नंबर 2 इज, हमारा एक स्केल पेंडिंग है दैट इज श्रंक स्केल. डिस्कस करते हैं इसके बाद. आपका जनरल केस में फॉर लोकेटिंग एन हाईवे, कोई भी रोडवे या हाईवे को लोकेट करवाने के लिए हम लोगों को सर्वे जो कंडक्ट करवाना पड़ता है उसमें जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला हमारा होता है ट्रैफिक सर्वे. हमें पहले ट्रैफिक देखना पड़ता है. एग्जाम्पल ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज. ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, फिर सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट से टोपोग्राफिकल मैप्स लेकर के मैप की स्टडी करनी पड़ती है. After that, reconnaissance survey is there, means साइट का मुआयना करना पड़ता है. After that, detailed survey, जो भी साइट हमारी फाइनल होती है उसके लिए डिटेल्ड सर्वे करना पड़ता है. एग्जाम्पल वहां का रेनफॉल डेटा कलेक्ट करना पड़ता है. एग्जाम्पल सोइल की बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है एट एक्स्ट्रा. हाई फ्लड लेवल देखना पड़ता है, सच एंड सच थिंग्स. एंड नंबर 5th स्टेप इज देयर, यू कैन से फाइनल लोकेशन सर्वे. डिटेल्ड सर्वे प्राप्त करने के बाद ही पता चलेगा कौन सी लोकेशन हमारी फाइनल होगी, दैट इज फाइनल लोकेशन सर्वे. फाइनल लोकेशन सर्वे मार्क करने के लिए हम लोग एक टेम्परेरी बेंचमार्क करके, टेम्परेरी बेंचमार्क सेटअप करके और रोड की सेंटर लाइन मार्क कर लेते हैं. टेम्परेरी बेंचमार्क आपका सेटअप करवा के हम लोग जो आपका फाइनल जो लोकेशन सर्वे होगा, फाइनल लोकेशन सर्वे दैट इज मार्किंग ऑफ सेंट्रल लाइन, मैं सेंट्रल लाइन को पूरे सब्जेक्ट में ऐसे लिखूंगा, मार्किंग ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ roadway on sheet, drawing sheet, and after that this final center line is transferred to the ground. हमारा next article और last article is shrunk scale. Last article is shrunk scale. एक बात और है, आप कभी भी डाउट मत रखिएगा कि आर्क लेंथ 12 किलोमीटर के साथ 1 सेंटीमीटर ज्यादा होती है या 18.5 किलोमीटर के साथ 1 सेंटीमीटर ज्यादा होती है. मैं आपके साथ प्रूफ दे देता हूं. लेट अस सपोज दैट दिस इज 18.5 किलोमीटर फॉर एग्जांपल. This is 18.5 किलोमीटर. This is L/2. This is L/2. हमें आर्क लेंथ में और कोर लेंथ में डिफरेंस मेजर करना है. तो ऑब्वियस बात है ये पूरा L, ये मान लीजिए, लेट अस सपोज दैट दिस इज अज्यूम्ड टू बी L. दिस इज L डैश. दिस इज L डैश. दिस इज थीटा. तो L विल बी इक्वल टू R into theta, और you can say theta is equal to 18.5 L हमारा है डिवाइड बाई R 6370, और थीटा की वैल्यू मैंने रेडियंस में निकाल ली. यहाँ से अगर हम बात करते हैं इस ट्रेंगल में, ये एक राइट एंगल्ड ट्रेंगल है, दोनों साइड में ले लीजिए. राइट एंगल्ड ट्रेंगल ये आपका 90 डिग्री एंगल है. तो ये आर है, ये थीटा/2 है, ये थीटा/2 है. तो आर थीटा/2, तो ये वैल्यू विल बी इक्वल टू आर कोस थीटा/2, आर साइन थीटा/2. तो L'/2 इज इक्वल टू आर साइन थीटा/2. तो L' इज इक्वल टू 2 into 6370 साइन थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए 18.5 डिवाइडेड बाई 6370 थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा/2 1/2 वैल्यू विल बी इक्वल टू. एक्चुअली ये डेटा जो आपका एप्लीकेबल होता है 18.2 के लिए वेल एप्लीकेबल होता है. तो 18.2 अप्लाई कर दीजिए 18.2. तो दिस वन इज इक्वल टू 18.19999. तो ऑब्वियस बात है therefore error will be equal to 18.20 meter minus 1.18.199, that is equal to 1 into 10⁻⁵ kilometer, which is equal to 1 centimeter. तो don't confuse कि 12 किलोमीटर के साथ 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है या 18.2 किलोमीटर के साथ 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है. प्रूफ आपके सामने, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है. एक बात और है, आपका जो नोट नंबर 4 है, हमने स्केल देखा, मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ग्राउंड डिस्टेंस. अगर आप एरिया की टर्म्स में बात करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू मैप एरिया डिवाइडेड बाई ग्राउंड एरिया. तो आपको अगर एरिया की टर्म्स में स्केल निकालना है और एरिया की वैल्यू को यूज करके स्केल निकालना है, तब इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन देगा. नाउ हमारा लास्ट आर्टिकल, लास्ट एक पेंडिंग आर्टिकल दैट इज कॉल्ड श्रंक स्केल, हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ जी, जो हमारा श्रंक स्केल होता है ये कोई स्केल नहीं होता है, ये एक फैक्टर होता है जिसके अकॉर्डिंग हमारी ड्राइंग श्रंक कर जाती है। दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज श्रिंकेज फैक्टर। मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूँ। एग्जाम्पल, आपके पास कोई पेपर है, उस पेपर की फोटोकॉपी करवाना चाहते हैं। एक पेपर के ऊपर आपने जितना भी डेटा लिख रखा है उस डेटा को आप 0 नंबर की कॉपी करवाते हैं तो डेटा तो उतना ही रहता है, लेकिन उस डेटा का, उस राइटिंग का स्केल चेंज हो जाता है। उसी स्केल को अपन क्या बोलेंगे, श्रंक स्केल, श्रिंकेज फैक्टर। तो ड्राइंग का स्केल चेंज होना ड्यू टू फोटोकॉपी, ड्यू टू पानी गिरना, ड्रॉपलेट गिर जाती है तो स्केल चेंज हो गया, इरेज हो गया, सच एंड सच थिंग। तो जनरल केस में एग्जाम्पल, इफ इंजीनियर्स स्केल इज 1 सेंटीमीटर बराबर है 100 मीटर फॉर एग्जाम्पल, एंड एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक 10 सेंटीमीटर लाइन श्रंक हो जाती है 8 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर लाइन श्रंक टू 8 सेंटीमीटर लेंथ। तो हम लोगों को जनरल कंडीशन में 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है तो 10 सेंटीमीटर 1000 मीटर के बराबर होगा, और अब 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है, 10 सेंटीमीटर 1000 मीटर के बराबर होगा। जब 8 सेंटीमीटर बच गया, ग्राउंड के ऊपर थोड़ी वो डिस्टेंस खत्म हो गई, ग्राउंड के ऊपर तो वो वही रहेगा, तो अब 8 सेंटीमीटर 1000 मीटर के बराबर होगा ऑन ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर कभी भी डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा। आपने ड्राइंग इरेज कर दी इसका मतलब थोड़ी कि पृथ्वी वहां से खत्म हो गई, ऐसा थोड़ी होगा। तो जो श्रंक स्केल होगा, श्रंक स्केल, न्यू स्केल, रिड्यूस्ड स्केल, श्रंक स्केल बोल लीजिए, न्यू स्केल बोल लीजिए, रिड्यूस्ड स्केल, तीनों का नाम एक ही होता है, बराबर है। जनरल केस में 8 सेंटीमीटर 1000 मीटर को दिखा रहा है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कैंसल्ड आउट कर दीजिए, तो इट विल बी इक्वल टू 1/(1 to 50), 8 1 जा 2 8 2, एंड दिस वन इज 4, तो ठीक 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/(1 to 50) मीन्स पहले 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर था, अब 1/(1 to 50) का मीनिंग क्या है चेक कर लेते हैं। 1 बराबर है 1 to 50, अभी तक तो ये बराबर है। लेट अस सपोज दैट दिस वन इज सेंटीमीटर एंड माय मिस्टेक, दिस वन इज 12500, बिकॉज इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1/10,000, तो 12500, तो 12500 तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, तो विच विल बी इक्वल टू श्रंक स्केल आपका 1 सेंटीमीटर 125 मीटर के बराबर हो गया ग्राउंड सरफेस पर। इसको मैं अगर एरिया की टर्म्स में या मैथमेटिक्स की टर्म्स में सोल्व करता हूं तो दिस वन विल बी इक्वल टू 1 फैक्टर इज कॉल्ड एज श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर विल बी इक्वल टू श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। श्रंक लेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज और मेजर लेंथ और रॉन्ग लेंथ इज देयर, and shrunk scale will be equal to shrinkage factor multiplied by original scale। अब एक एग्जाम्पल दिया था, स्केल का मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा, तो shrunk RF will be equal to original RF तो अगर मैं बात करता हूं जो हमारी करेक्टेड लेंथ होगी, करेक्टेड लेंथ विल बी इक्वल टू श्रंक लेंथ मतलब मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ डिवाइडेड बाई आपका श्रिंकेज फैक्टर। याद रखिएगा। सिमिलरली करेक्टेड एरिया, क्योंकि एरिया हमेशा लेंथ के स्क्वायर में प्रोपेगेट होता है, वॉल्यूम हमेशा लेंथ के क्यूब में प्रोपेगेट होता है। तो करेक्टेड एरिया विल बी इक्वल टू मेजर्ड एरिया डिवाइडेड बाई श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर, करेक्टेड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मेजर्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाई श्रिंकेज फैक्टर का क्यूब। एंड यू कैन से अगर हम इस करेक्टेड लेंथ की बात करते हैं दूसरी टर्म्स में, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उसी एग्जांपल को प्रूफ करेंगे अपन जो हमने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। अगर मैं बात करता हूं करेक्टेड लेंथ की, तो आप इस टर्म्स में भी बोल सकते हैं आर एफ ऑफ रोंग स्केल, बिकॉज थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि मेजर्ड लेंथ हमारी श्रंक लेंथ होगी। आर एफ ऑफ रोंग स्केल मल्टीप्लाइड बाई रोंग लेंथ, रोंग लेंथ का मतलब श्रंक लेंथ, श्रंक लेंथ का मतलब मेजर्ड लेंथ, श्रंक लेंथ, श्रंक लेंथ और रोंग लेंथ आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इक्वेट करवा दीजिए। करेक्टेड लेंथ विल बी इक्वल टू, यहां पर मैं आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल कर देता हूं, दोनों को इक्वेट करवा दीजिए, काम चल जाएगा। तो लेट अस सपोज दैट करेक्ट लेंथ इज एल, मेजर्ड लेंथ इज एल डैश। तो आर एफ ऑफ राउंड स्केल मैंने बोल दिया आर एफ डैश, एंड आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल मैंने बोल दिया आर एफ नॉर्मल। तो L will be equal to RF dash divided by RF into wrong length L dash। Similarly, corrected area A will be equal to RF dash divided by RF whole square, because बता चुका हूं थोड़ी देर पहले एरिया तो स्क्वायर की टर्म्स में प्रोपेगेट करता है, मल्टीप्लाइड बाई आपका मेजर्ड एरिया ए डैश। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए एप्लीकेबल होगा। हाँ जी, उस एग्जांपल को हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड से सोल्व करते हैं, आंसर बराबर आएगा। इसका मतलब हमारा ये मेथड सेम अप्लाई हो सकता है पहले वाली नॉर्मल कैलकुलेशन के आधार पर। उस न्यूमेरिकल में हमारा 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर था और 10 सेंटीमीटर की लाइन श्रंक हुई थी 8 सेंटीमीटर पर। हमारा जो आंसर आया था श्रंक स्केल, न्यू स्केल और रिड्यूस्ड स्केल का जो हमारा आंसर वाज 1 डिवाइडेड बाई 12500। चेक करते हैं हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा इस मेथड से। हाँ जी, तो यहां पर श्रिंकेज फैक्टर विल बी श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ गिव्स मी 0.8। तो श्रंक स्केल और ओरिजिनल श्रंक स्केल या न्यू स्केल या रिड्यूस्ड स्केल, यहां से मैं ओरिजिनल आरएफ निकाल लेता हूं। ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन विल बी 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो इट विल बी इक्वल टू 1 in 10,000 तो श्रिंकेज फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई 1 in 10,000 गिव्स मी 1 in 12500 जो कि हमारे दोनों आंसर बराबर हैं। तो मीन्स हम अपने मेथड को अप्लाई कर सकते हैं इस मैथमेटिकल वर्जन पे भी। इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 बराबर है 12,500, ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो न्यू स्केल, न्यू इंजीनियर्स स्केल विल बी न्यू स्केल, ये सारे स्केल्स आपके इंजीनियर्स स्केल होंगे, याद रखिएगा। दो छोटी छोटी बातें और हैं, फिर ओनली हमारे इस फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग के न्यूमेरिकल स्टैंडिंग रह जाएंगे। हम लोग न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, जो आपका प्लेन स्केल है, प्लेन स्केल कन्फर्म्स टू आईएस कोड नंबर 1491। जो आपका वर्नियर है, उस वर्नियर का जो जीरो होता है वो सेंटर में मार्क होता है, इसको हम लोग इंडेक्स मार्क बोलते हैं। So my dear friends, fundamental of surveying ka only pending portion is only numericals of shrunk scale and numericals of vernier scale are pending, which will be discussed in my next video lecture. Thank you.